अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सहाश व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वेट लॉस सैंडविच। जी बहुत ही आसान है, घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे ये बन जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ आपको चाहिए ब्राउन ब्रेड। ये देखिए मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, ये दहाबी की ब्रेड है। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन आपको ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करनी होगी, वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करनी है, ना मिल्की ब्रेड यूज़ करनी है। हाँ, अगर आप चाहें तो ब्राउन आटा जो होता है उसकी पतली सी रोटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं दो स्लाइस ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड के। ये ब्राउन ब्रेड जो है वो बहुत हेल्दी होती है। अगर आपके बॉडी में वेट लॉस करने के चक्कर में थोड़ी वीकनेस भी हो रही है तो उससे आपकी वीकनेस दूर होती है, आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है, आपका पेट अच्छे से भर जाता है। इसकी जगह अगर मल्टी ग्रेन ब्रेड मिलती है, जो थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है लेकिन वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो जो ब्राउन आटा होता है, चक्की का आटा होता है, उसकी एक पतली सी रोटी भी ले सकते हैं। तो आप इस सैंडविच की जगह नॉर्मल सा रोल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिए हैं दो स्लाइस ब्राउन ब्रेड के। इसके अंदर जो है हम सब्जियां लेंगे, जो भी आप सैंडविच में सब्जी डालना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने ये सलाद पत्ता लिया है, लेटस, टोमेटो के दो तीन स्लाइस ले लिए हैं, और क्यूकम्बर लिया है, और अनियन लिया है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज मैं डालूंगी वो है ये बॉयल एग। एक अंडा लेके उसको अच्छे से हार्ड बॉयल कर लें, ठीक है, नॉर्मल बॉयल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड बॉयल करिएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अंडे की जगह एक बॉयल पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। बॉयल पोटैटो हो गया, या फिर मींस आलू, ठीक है, या फिर शकरकंदी भी ले सकते हैं, मींस स्वीट पोटैटो, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर रात की कोई सब्जी है जो विदाउट ऑयल में बनी हुई हुई हो तो वो आप सब्जी भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं तैयार करना बताती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत यम्मी लगता है, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लंच में और डिनर में भी खा सकते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या फिर आप ऑफिस जाते हैं, जेंट्स हजरात हैं, उनको अगर आपको देना है लंच के लिए तो आप ये सैंडविच दे सकते हैं, बहुत अच्छे से पेट भर जाता है इससे। अच्छा, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये चटनी। ये देखें, ये मैंने हरी चटनी बना के रखी है, ये मैंने घर में खुद ही बनाई है। इसमें है लहसुन, हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरा। ठीक है, बस ये चार चीज़ों को मिला के मैंने ये चटनी बनाई है। अगर आपके पास चटनी नहीं है, अगर ग्रीन सॉस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये घर में बनाई हुई है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे वेट लॉस में जो है फ़ायदा देंगी। तो ये चटनी जो है मैं दोनों साइड पे लगा लूँगी। ओह सॉरी, इसके अंदर हरी मिर्च भी है, वो तो बताना भूल ही गई। हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और धनिया पुदीना। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये डाल दें। चटनी बहुत ज़बरदस्त होती है, अगर आप नॉर्मली अगर स्लाइस पर लगा के खाएँ तो भी आपको बहुत टेस्ट देगी। अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप रोटी से चटनी खाना चाहते हैं तो भी ये चटनी बहुत यम्मी लगती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लेमन डाल सकते हैं चटनी में। जो लोग वेट लॉस नहीं कर रहे हैं उनको भी ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद देगी। ठीक है, इससे हाजमा भी अच्छा होता है। ये मैंने लगा ली है ग्रीन चटनी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये लेटस के पीस, सलाद पत्ता। जितनी ज़्यादा इसके अंदर सब्जी डालेंगे उतनी ज़्यादा जो है ये बहुत आपको हेल्दी सैंडविच बन जाएगा आपका। ठीक है, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ये मैं हटा रही हूँ, आप चाहें तो डाल लीजिएगा, लेकिन सैंडविच की लेंथ के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। ओके, ये देखें, ये मैंने सलाद पत्ता इस पे रख दिया है। ओके, अब हम डालेंगे इसमें अपने ये अंडे के स्लाइसेस। ठीक है, पहले इस जो अंडा है हम इसको स्लाइस में काट लेते हैं। अगर आप इसका योग यूज करना चाहते हैं तो कर लें, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप उसको स्किप कर सकते हैं योग को। पूरा एक अंडा आप आराम से इसमें डाल सकते हैं एक सैंडविच में। ठीक है, मैं योग ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि स्टार्टिंग है वेट लॉस की, तो मैं थोड़ा सा स्किप ही करूँगी इसको, मींस आधा योग ले लूँगी, बाकी मैं लीव कर दूँगी। ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी ये अपने अंडे के स्लाइसेस। बहुत यम्मी लगता है, असल में टेस्ट तो इसमें सारा सब्जियों का आता है, और अंडा अगर आपको पसंद है तो आपको इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने अंडे के स्लाइसेस डाल दिए हैं। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर ये जो अनियन है, बस वन बाय वन आप अपने हिसाब से जो है इसमें डाल सकते हैं।
अनियन को थोड़ा सा इस तरह से तोड़ के डालें। अब मैं डाल दूंगी अपने टोमेटो के पीसेस। ये मैंने दो स्लाइस डाले हैं टोमेटो के, एक और डाल देती हूँ ये इस तरह से हाफ करके। ये ओके, लुक्स यमी। अब डालेंगे हम अपना फेवरेट क्यूकम्बर। ओके, तो ये सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अगर आप एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, तो मैं ये लिटिल सा केचप डालूंगी इसमें, ठीक है। अगर केचप भी घर का बना हुआ हो तो क्या ही बात है, ये देखें बस थोड़ा सा ये साइड में आ गया है, तो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। ओके, ऐसा तो होता ही रहता है जब काम करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सैंडविच रेडी। दूसरा जो पीस है ब्रेड का वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया है हमारा यम्मी सा सैंडविच तैयार। ये देख सकते हैं, इसको आप खाएं और यम्मी यम्मी इंजॉय करें, इसको पेट अच्छे से भर जाएगा। तो ये यम्मी सा सैंडविच आपको कैसा लगा, मेरा वेट लॉस का सैंडविच, जो आप कभी भी घर में बना के खा सकते हैं। जो वेट लॉस नहीं कर रहे हैं वो भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।